उन्होंने ये सब बताया, ये जैसे मेरा पुत्र आ गया, मेरा उत्तराधिकारी आ गया, डिनर ये छिड़ गई कि अब ये उनका उत्तराधिकारी हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, तो मेरी राजा से शादी हो जाएगी, उन्हें तो कोई अधिकार मिला ही ना, बड़ा पुत्र ये उसके राज मिलेगा तो शादी से मना कर दूँ। महाराज गुस्सा हो गए तो उदास रहने लगे, उनसे भीष्म को उसको पता चली जाए उनके बेटे को कि राजा की दासी का कारण क्या, उससे बात करने गया तो तुम मेरे पिताजी से शादी कर लो, तो मेरा क्या फायदा उसमें, मेरा कोई नुकसान है, मेरा कोई दासी बनकर नहीं दूसरी शादी कर रहा है, महाराज दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि गंगा तो उनके साथ रही नहीं ना, वो तो गंगा जी में समा गई नहीं, पैदा पानी हो तो